इस वक्त हम दिल्ली के उत्तम नगर के उस दुकान में मौजूद है जहां पे राहुल गांधी ने कल अपने आके दाढ़ी हजामत बनवाया था, जो कि इस वक्त काफी ट्रेंड में चल रहा है। और राहुल गांधी का एक लाइन भी काफी ट्रेंड कर रहा है, जो इस दुकान के दुकानदार ने बोला था कि बस कुछ नहीं बचता। तो चलिए उनसे बात करते और जानते हैं कि राहुल गांधी से मिलकर उनको कैसा लगा और क्या अनुभव हुआ, और राहुल गांधी के मिलने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आई। क्या नाम है अंकल आपका? अजीत ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। बिहार से हो जी। यहाँ पे कब से काम कर रहे हो दाढ़ी हजामत का? दिल्ली में 1993 से रह रहा हूँ मैं, 1993 से ही नाई का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो कल राहुल गांधी कब आए और पता था आपको कि राहुल गांधी आने वाले हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी अचानक मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आए। उनका काफिला इधर से गुजर रहा था, मैं बाहर खड़ा था, तो एकदम से अपनी काफिला रोके आए, हमारे से हाथ मिलाए, बोला कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ सर। तो क्या काम करते हो आप? मैंने कहा सर मैं हेयर कटिंग करता हूँ। उन्होंने एकदम से बोले कि मेरा से बनाओगे आप? मैं तैयार हो गया। फिर वो अंदर आए बैठे, मैं तो एकदम से घबरा गया। एकदम से मेरा तो बड़े नेता आ गए हैं। बड़े नेता, मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी एक दिन हमसे मुलाकात होगा। एकदम से आए, मेरा हाथ पांव बिल्कुल भारी हो गया। अच्छा। फिर वो बैठे, उन्हें बोले, मैंने बैठते उनको बोला सर आपके लायक तो हमारे पास औजार भी नहीं है, टावल भी हमारे गंदे उन्दे हो रहे हैं, टिश्यू पेपर लगा दूंगा आपको। उन्होंने कहा जो चीज आपके पास उपलब्ध है, जो है आपके पास उसी से कीजिए। उन्होंने किसी चीज की डिमांड नहीं की, बोले कि जैसे भी है बना दो, आप लगाइए और आप कीजिए काम। तो उनका मैंने काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछे मेरे से क्या क्या काम करवाया उन्होंने? सेविंग सेटिंग कराए थे, ट्रिमिंग करके उनका सेविंग का सेटिंग किया। अच्छा, ट्रिमिंग किया था, बाल वाल भी कटवाए थे? ना, बाल नहीं कटवाए, बाल वाल नहीं कटवाए थे, बस ट्रिमिंग करवाए। अच्छा, कितनी देरी थे आपके साथ? 20 मिनट तक रुके। 20 मिनट तक? जी जी। तो किसी समस्याओं पे बात की आपको? हाँ हाँ, उसने मेरे से ये पूछे कि आपका दुकान अपना है किराए पे है? मैंने बोला सर दुकान किराए का, मकान बोला मकान भी किराए का, क्या किराए भरते हो? मैंने कहा सर दोनों जगह मिला के 10,000 किराया लग जाता है, तो महीने में कमाते कितने? मैंने बोला सर 14-15 हज़ार रुपये महीने में कमाता हूँ, और 2,500 रुपये डिसेबिलिटी पर्सन का जो मुझे पेंशन आता है वो मिलता है। अच्छा, आपके पैर में समस्या है? जी जी, मैं दिव्यांग हूँ, पैर से विकलांग हूँ मैं। अच्छा जी। उन्होंने ये सब पूछे, बच्चे बारे में पूछे, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, अपनी दिनचर्या जो हमारा चल रहा है वो हमने बताया, उनको अपनी कथा सुनाया उनको। उन्होंने बोले आप जो है ना बहुत वो करते हैं, जाने आ रहा है। फिर क्या, तो मिलने के बाद मतलब आप भावुक लिख रहे हैं, मतलब दुखी दिख रहे हैं, तो कुछ उन्होंने कुछ दिया, कुछ हेल्प किया, कुछ सामने से कुछ कहा? राहुल गांधी जी, देखिए मिनिमम प्राइस तो मेरा 50 रुपये होता है। हाँ। राहुल गांधी जी ने मुझे 500 रुपीज़ दिए। उसके बाद हो गए, उन्हें आश्वासन दिया कि जो हमसे हो सकता है मैं आपको टूल किट उपलब्ध कराऊंगा, और आज वो टूल किट मुझे उपलब्ध हो गया। क्या क्या दिलाए हैं आपको? और राहुल गांधी जी जो हमारी हेयर कटिंग का सामान होता है, जैसे कि मान के लिए बाल काटने वाला मशीन होता है, ये देखिए ये उपलब्ध कराया गया है, और मसाज करने वाला जो मशीन होती है फेस मसाज का वो उपलब्ध कराया गया है, और ड्रायर मशीन होते हैं, ड्रायर मशीन वो उपलब्ध कराया गया है, ये उपलब्ध कराया गया है, जो सीजर वगैरह होते हैं, उत्सुरा कैसी होते हैं, जो हमारे औजार होते हैं जिससे हम कमा खा सकते हैं, हमें तो किसी चीज़ की कमी उन्होंने नहीं छोड़े हैं। यहाँ तक कि हेयर कटिंग करने के लिए उसने ये तक भी दिए हैं लेके। क्या, टावल? मतलब ये है जो लगाते हैं ना। अच्छा, सीट, कटिंग सीट। हाँ। वो सब मुझे उपलब्ध कराए हैं। तो मतलब जो काम की जो भी आवश्यकता चीजें हैं उन्होंने आज आपको दिलाई हैं। जी जी जी। तो आज वहाँ से क्या बुलाया गया था कि आपको कि आना है कैसे? मॉर्निंग में या उनके ऑफिस के द्वारा या उनके कार्यालय के द्वारा कॉल आया था मुझे कि अजीत जी आप आइए, राहुल भैया ने बोला है आपको आज ही सामान दिया जाएगा, और आप आइए, और आपको सुविधा कहाँ से होगा, आप चाहते कहाँ से आपका सामान अच्छा मिल सके? मैंने कहा सर हमारे नाई के सामान तो पुरानी दिल्ली फिल्म स्थान में मिलता है। अच्छा, आपसे ही पूछा गया कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं? हाँ, सामान आपके सुविधा के हिसाब से। जी जी जी। तो फिर मैंने बोला कि नाइक सामान हमारा अच्छा ब्रांडेड थी तो फिल्म स्थान में मिलेगा। उन्होंने मुझे बोले या ओला करके आइए या ऑटो से आइए, किराया भी आपको दिया जाएगा, आप आइए। हम गए वहाँ पे, वो आए, भेजे किसी को, आए हम अपनी शॉप, हम अपनी मनपसंद शॉप में गए, वहाँ से मुझे चीजें पसंद नहीं आया। अच्छा, आपने अपने मनपसंद दुकान में जाके खुद से सामान खरीदी, उनके लोगों ने दिलवाए? अपना पसंद का जो मुझे पसंद था
उन्होंने बोले आप जो है प्राइस की चिंता मत करो, सामान जो आप कमा सकते हो जो अच्छा लगे वो आप ले लो। फिर वहाँ मुझे मेरे मनपसंद सामान नहीं मिला, फिर वहाँ से हमने सदर बाजार विजिट किए, वहाँ जाके अच्छी सी दुकान में गए और जो मेरे मनपसंद का सामान था मैंने सारा सामान वहाँ से लिया। तो इसके अलावा सामान के अलावा और भी कुछ बोला कि वो मदद करेंगे कि बस सामान तक ही भी? राहुल गांधी ने बोला है कि हमसे जो हेल्प हो सकता है आपकी हर कोशिश हम पूरा करने की कोशिश करें, उनका प्रॉमिस ये था कि हमसे जो उपलब्ध हो सका जो हम कर सकते हैं आपके सहायता के लिए वो हम करें। तो राहुल गांधी के मिलने के बाद क्या बदलाव आया और आपका आपका खुद का कैसा अनुभव रहा उनसे मिलने के बाद? मेरा अनुभव ये रहा आज के दौर में मैं ये देखता हूँ एक निगम पार्षद हो गया विधायक हो जितने के बाद कहाँ आते हैं, ये टॉप लीडर हैं देश के नेता विपक्ष हैं, उम्मीद कल्पना भी नहीं कर सकते हम, उनके आने के बाद घबराहट हुई लेकिन अब खुशी भी हो रहा है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अभी भी जो सबसे निचले पायदान पे आदमी है जहाँ तक लोगों की पहुँच बिल्कुल नहीं पहुँचता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं।